फेमस तवा फिश फ्राई। गुड़गांव नाम के गांव में बलवंत नाम का व्यक्ति समुद्र के किनारे मछली पकड़कर अपना गुजारा करता था। सारा गांव उसे बहुत चाहता था, वो सबके साथ घुल मिलकर रहता था। बलवंत जो मछलियां पकड़ता था उन्हें बेचता तो था, कुछ मछलियों को बचाकर समुद्र के किनारे तवा फिश फ्राई बनाकर बेचता था। बलवंत के सूझबूझ के कारण बाकी मछुआरे भी उसी के पास सलाह मांगने आते थे। भीरू नाम के व्यक्ति को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन बलवंत के तवा फिश फ्राई के पास काफी भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर अपने चेले किरण से वीरू, अरे ये क्या यार, ये तो दिन भर दिन मशहूर होता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो इस बार यूनियन प्रेसिडेंट का पोस्ट मुझे नहीं मिलेगा फिर। तब किरण, अरे भैया आप जो भी कहते हो ना वो सच हो जाता है, आप टेंशन ना लो भैया, इस बार आप नहीं जीतोगे। तब वीरू, अरे कमीने ये तू क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है, हमेशा गलत बोलता रहता है। तब किरण, ये क्या भैया, जब आप कहते हो तो ठीक है, अब मैं कहूँ तो आपको गुस्सा आ जाता है। देखो भैया, अगर आपने ऐसी बात की तो मैं सीधा बलवंत के पास चला जाऊंगा आपको छोड़कर। हाँ, आप फिर मैं बलवंत को सब कुछ बता दूंगा कि आप कैसे प्रेसिडेंट बनने के बाद लोगों को ठगना चाहते हैं और खासकर बैंक से 50 लाख रुपए ऐंठना चाहते हैं, देख लो आप। तब वीरू, अरे यार मैंने तुझे कहा तो था कि तेरा हिस्सा मैं तुझे दूंगा, फिर तुम ये ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो, पहले एक आइडिया तो दो जिससे हम उसे मशहूर होने से रोकें। तब किरण, अरे ये कौन सी बड़ी बात है भैया, अगर उसे मशहूर होने से रोकना है तो उसे तवा फिश फ्राई से दूर रखो बस, और हाँ तवा फिश फ्राई के आड़ में उसकी नेकी पर दाग लगाना होगा। एक दिन जाकी नाम का एक शराबी बलवंत के पास आया और उससे कहने लगा कि वो तवा फिश फ्राई का ठेला उसे दे दे। तब बलवंत, तुझ जैसा शराबी अगर यहाँ तवा फिश फ्राई बेचेगा तो फिश फ्राई खाने के लिए परिवार वाले कोई नहीं आएंगे। तब वहीं खड़ा वीरू, देखा दावालो, देखा, आओ आओ देखो, आप सब कहते हो ना कि बलवंत बहुत नेक इंसान है, अब देखिए जाके इनके पास गुजारा करने के लिए पैसे कमाने के लिए एक जरिया मांग रहा था और बलवंत उसे डांट डपट कर भेज रहा है। तब भीड़ में से एक आदमी, अरे वीरू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, अरे उस शराबी को बलवंत तो क्या हम में से कोई भी काम ना दे और ऐसे शराबी के लिए तुम वकालत कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है। तभी किरण वहाँ आया और, सॉरी भैया सॉरी भैया, ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, जब देखो गधे से लात मरवाता रहता है। बाद में किरण वीरू से, भैया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, इतना भी नहीं जानते कि ऐसे शराबी को लेकर आओगे तो तुम्हें ही गालियां पड़ेंगी, तुम्हें तो ऐसे आदमी को लेकर आना चाहिए जिसे देखकर लोगों के मन में रहम जागे और वो मना करे तो लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। ऐसा एक ही आदमी है, वो बलवंत के पिताजी का दुश्मन है ना साहू, उसकी सेहत आजकल ठीक नहीं है भैया, उसे लाकर खड़ा करोगे तो बलवंत उसे तवा फिश फ्राई तो देगा नहीं, तब लोगों के नजर में वो गिर जाएगा भैया। ये सुनते ही फटाफट वीरू साहू के घर गया और उस बूढ़े आदमी को तुरंत बलवंत के पास ले आया। फिर वीरू बलवंत से, भाई बलवंत उस शराबी को तो तुमने मना कर दिया लेकिन ये साहू चाचा है ना, ये बूढ़े हो चले हैं, तुम अपना ये तवा फिश फ्राई का दुकान उन्हें दे दो। तब साहू वीरू से, अरे कमीने बेटा तुम मुझे जल्दी जल्दी यहाँ इसलिए लाए थे हैं? अरे बलवंत बेटे ने तो मुझे बहुत पहले ही कहा था ये दुकान चलाने के लिए लेकिन मुझसे नहीं हुआ, अब हर महीने मेरे दवाई के लिए खाने के लिए सारा खर्चा बलवंत बेटा ही तो उठाता है। ये बात सुनकर सब लोगों ने ताली बजाई। ये देख कर किरण वीरू से, अरे उस्ताद बस सब हो गया, सब बेड़ा गर्क हो गया, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा उस्ताद, बस इस समंदर के किनारे दो ही बेवकूफ नालायक हैं, एक तुम और एक मैं, अब अपना यूनियन लीडर बनने का सपना छोड़ दो और बलवंत से मांग कर ये तवा फिश फ्राई दुकान तुम चलाओ। ये बात सुनकर वीरू को बहुत गुस्सा आया, वो किरण को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। ये देख कर सब गाँव वाले हंसने लगे।